तो दोस्तों आपका बजट है 35,000 और आपको चाहिए एक बहुत ही तगड़ी लैपटॉप, तो इसी के लिए वीडियो मैंने बनाई है। यहाँ पे 35,000 के अंदर आपको ऐसे बहुत ही मजेदार लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा। तो पहला पार्ट जो है वीडियो का वो तो देखना ही है दोस्तों, 144p में होने से भी इस वीडियो को देखो, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जो है खुद लैपटॉप चूज कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, नीचे जो बटन देख रहे हो प्रेस कर दो, साइड में जो घंटी होता है वो भी प्रेस करना, और ऑल नोटिफिकेशन तो प्रेस करना ही है, अगर प्रेस करते हो तो अपडेट जो है फ्रेश अपडेट से आप मिस नहीं करोगे। और दोस्तों अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड रखते हो तो जाकर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, वहां पे फोटोग्राफी रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूं, और कुछ भी क्वेरीज है मुझे डायरेक्टली डीएम करो, मैं हर एक का जो रिप्लाई जरूर दूंगा। देखो आपका बजट है 35,000, अगर 35,000 का बजट है तो आपके बजट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लैपटॉप्स है मार्केट में जो कि आप लोग जाओगे डायरेक्टली सर्च करोगे और ले लोगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप लोग 35,000 स्पेंड कर रहे हो। तो हम इंडियंस है और 35,000 अगर स्पेंड कर रहे हैं तो हर एक पैसे की ना वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से देखो, स्किप नहीं करना है वीडियो को, स्किप करोगे तो आप जो है मिस करोगे, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर नीचे लिंक मैंने दे रखा है वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, बाहर से लेना है वो भी ले सकते हो, कहीं से अलग जगह से लेना है वहां पर भी ले सकते हो, लेकिन सारी चीजों को समझ लो। ओके, तो पहली चीज जो है वो है सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर दो वेरिएंट आ जाता है दोस्तों, एक है इंटेल और एक है एएमडी। तो एएमडी की अगर बात करें इसके अंदर आप लोग को दो चीजें मिल जाएगी, एक है राइजन 3 और राइजन 5। तो यहां पे 35,000 का अगर आपके पास बजट है तो आप राइजन 5 के साथ जाओगे, तो ये हो गया फिक्स। तो राइजन 5 में भी बात आती है कि जनरेशन, तो जनरेशन यहां पे थर्ड जनरेशन होनी चाहिए दोस्तों। तो अभी बात करते हैं इंटेल की। इंटेल में भी आप लोग को यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं इंटेल i3 7th gen और इंटेल i3 8th gen, और उससे ऊपर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहां पे रेकमेंड करता हूं अगर आपको मिनिमम जाना है तो i3 8th generation के साथ जाना है। लेकिन मैं यहां पे एक चीज आप लोग को क्लियर कर देता हूं, यहां पर अगर आप लोग बड़े ब्रांड्स के साथ जाना चाहते हो, कुछ ऐसी ब्रांड्स जैसे कि डेल हो गई, एचपी हो गई, वो क्या करता है इस प्राइस पॉइंट में i3 की 7th जनरेशन ही आप लोग को प्रोवाइड करती है। 8th जनरेशन अगर आप लोग को लेना है तो 40,000 के आसपास बजट आप लोग को इंक्रीज करना होगा। अगर आप लोग ब्रांड लवर्स हो तो जाकर ले सकते, लेकिन मैं जो है यहां पर आप लोग को फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तो इन सब ब्रांड्स को मैं जितना चाहे स्किप करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप लोग ब्रांड लवर्स हो तो वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे जो आता है वो है रैम। रैम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स है जिसके अंदर 8GB मिलेगी, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन आ जाती है दोस्तों। अगर रैम आपको 8GB मिलता है तो जनरेशन आपको जो है ना कम देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आती है दिक्कत। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग जब भी लैपटॉप लेते हो तो नई जनरेशन की लो, ताकि उस पर आप लोग फर्दर बाद में अपग्रेड कर पाओ रैम को। पुरानी जनरेशन लोगी तो वो प्रोसेसर जो है आप वो प्रोसेसर को जो है ना अपग्रेड नहीं कर सकते, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पर नया एक जनरेशन की प्रोसेसर लो, बाद में रैम को अपग्रेड कर लेना। उसके बाद आती है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को SSD का वेरिएंट भी मिल जाता है, 256GB तक आप लोग को देखने को मिलेगा। या फिर ज्यादातर लैपटॉप में आप लोग को 1TB की HDD देखने को मिलती है, और साथ ही साथ M.2 की स्लॉट देखने को मिलती है, ताकि आप लोग फर्दर जो है SSD में अपग्रेड कर पाए। बहुत ही ईजी है, खोलना होता है और लगाना होता है और कुछ नहीं, तो बहुत ही ईजी है। ये ऑप्शन होना आजकल 2020 में मैंडेटरी हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले की बात करते हैं, 15.3 इंच की आप लोग को फुल HD डिस्प्ले लेनी है, साथ ही साथ अगर 14 इंच की लेते हो वहां पर भी देखें आप फुल HD आप लोगों को मिल रहा है। तो ये दो चीजें जो है आप लोगों को कंसीडर करनी है जब आप लोग डिस्प्ले सिलेक्ट करते हो। तो यहां पे और एक चीज बता देता हूं, ये सब लैपटॉप मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही सही है, और यहां पे अगर आप लोग ट्रैवल वगैरह करते हो तब भी आपके लिए बहुत ही तगड़ी होगी। यहां पे बहुत ज्यादा स्लिम लैपटॉप्स वगैरह भी मैंने ऐड किया है, यहां पे आप लोग टच स्क्रीन लैपटॉप्स भी मैंने ऐड किया है, तो लास्ट तक देखो वीडियो को, पता चल जाएगा, और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। और यहां पे अगर गेमिंग की बात करें तो कैजुअल गेमिंग आप लोग कर पाओगे, तो यहाँ पे GTA 5 भी आप लोग जो है ना थोड़ी बहुत मीडियम से लो सेटिंग्स के अंदर आप लोग इजीली चला पाओगे, तो जरूर से जरूर कंसीडर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे लैपटॉप है जो आपको मिल जाएगा 35K के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, ये जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोग को बताऊंगा उन सब प्रोडक्ट्स की मैं थोड़ी बहुत ओवरव्यू दे दूंगा, और नीचे जो सारे लिंक्स आप लोग को मिल जाएंगे वहां से जाकर भी आप लोग पूरे इन डिटेल में जो है स्पेसिफिकेशन देख पाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो लिस्ट में है वो Asus की तरफ से Asus VivoBook 15, ये वाली वेरियंट जो है यहाँ पे आप लोग को इंटेल की तरफ से भी वेरिएंट मिल जाएगी और AMD की तरफ से भी देखने को मिल जाएगी। इंटेल की तरफ से अगर आप जाते हो तो यहाँ पे i3 की 8th generation साथ आपको जाना
जाना होगा। और राइजन की तरफ से आपको राइजन 5 की थर्ड जनरेशन की सीपीयू देखने को मिलती है, जिसके साथ आप लोग को वेगा ग्राफिक्स देखने को मिलती है। और इंटेल की साइड में अगर आप लोग जाते हो, इसके साथ इंटीग्रेटेड इंटेल की ग्राफिक्स आप लोग को देखने को मिल जाएगी। विंडोज 10 दोनों में प्रीबिल्ड है, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी के लिए आपकी बहुत काम में आने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प डिस्प्ले आप लोग को देखने को मिल जाए, 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले आप लोग को मिल जाएगी यहाँ पर। और साथ ही साथ रैम की बात करें तो 4GB की रैम आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इसका जो वेरियंट है यहाँ पे आप लोग को 256GB की SSD देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही सही है, जो कि आपको फास्ट परफॉर्मेंस देगा। और साथ ही साथ एडिशनल स्लॉट्स भी है जिनके अंदर आप लोग जो है रैम और साथ ही साथ यहाँ पे SSD या फिर HDD कुछ भी हो अपग्रेड आप इजीली कर पाओगे। तो आपको जो ये लैपटॉप 35,000 के अंदर इजीली मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो है वो भी एसस की तरफ से है, यहाँ पे एसस की तरफ से एसस वीवो 14। तो ये वाली लैपटॉप 14 इंच की लैपटॉप है, बहुत ही एलिगेंट लुकिंग लैपटॉप है, लाइट वेट लैपटॉप है ये जो है ना लैपटॉप। आप अगर ट्रैवल वगैरह करते हो तो बहुत ही सही लैपटॉप है। इसके अंदर भी आप लोग को राइजन 5 की प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, जो कि थर्ड जनरेशन की है, बहुत ही सही है। तो इसके साथ आपको वेगा 8 की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही काम में आने वाला है। अगर आप लोग गेम्स वगैरह थोड़ी बहुत खेलते हो या फिर मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस प्रोसेसर के अंदर। और साथ ही इसकी डिस्प्ले की बात करें तो फुल एचडी की डिस्प्ले है, 14 इंच की है, तो बहुत ही क्रिस्प आप लोग को चीजें दिखाई देगी। और वर्क प्लेस के लिए तो परफेक्ट है, अगर ट्रैवल वगैरह करते हो, ऑफिस में यूज करते हो या फिर प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए परफेक्ट होगा। कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है, जो कि लाइट वेट है, आप इसको जो है इजिली कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें तो 5 से 6 घंटे तक की बैटरी लाइफ है। और बहुत ही अच्छी लैपटॉप है, जिसके अंदर आपको एक एनहांस सिक्योरिटी भी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे विंडोज 10 प्री इंस्टॉल आती है। तो यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉलेशन की कोई आप लोग को झंझट वगैरह नहीं है। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग 8GB की रैम देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को 256GB की SSD देखने को मिलती है, ताकि आप लोग को लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस मिले। तो यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग रैम को अपग्रेड कर सकते हो अगर आप चाहते हो SSD या फिर HDD लगाना, वो भी आप लोग इजिली कर पाओगे। तो ये वाली लैपटॉप 100% रेकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग लाइट वेट लैपटॉप चाहते थे तो ये वाली एकदम मस्ट बाय है, अगर आपका बजट 35,000 है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो अगला जो है वो लेनोवो की तरफ से, लेनोवो आइडिया पैड S145, ये वाली बहुत ही फेमस मॉडल है जो कि लेनोवो की तरफ से। इसका जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे लगा ना, ये है यहाँ पे इंटेल i3 की 10 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। रैम की बात करें तो यहाँ पे 4GB की रैम आप लोगों को देखने को मिलती है, साथ ही साथ बात करें 256GB की SSD भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बहुत ही तगड़ी कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण से आप लोगों को बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और 10 जनरेशन की प्रोसेसर है दोस्तों, ये याद रखना, ये वाली लैपटॉप मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले है, तो कि आप लोग को क्रिस्प डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसकी जो बैटरी लाइफ है 5 से 6 घंटे की है। इसका एक फीचर है दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्रीन है ये आप लोग 160 डिग्री तक रोटेटेबल है, तो बहुत ही अच्छी आप लोग को जो है कंफर्टेबल फीलिंग आएगी। अगर आप इसको रोटेट वगैरह करना चाहते हो तो ईजिली आप लोग कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड आ जाता है इसके साथ। तो इस लैपटॉप के अंदर आप लोग एक्सपांडेबल स्लॉट्स भी देखने को मिलती है, ताकि आप लोग रैम और जो है आपके स्टोरेज को अपग्रेड कर पाओ बहुत ही ईजिली। और ये 35,000 के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि ईजिली आप लोग बाई कर सकते हो। इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला एक इंटरेस्टिंग लैपटॉप के बारे में बताता हूँ, जो कि एक टच स्क्रीन लैपटॉप है, जो कि HP की तरफ से है। मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है, मॉडल नंबर नीचे दिया हुआ है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस लैपटॉप की बात करें तो ये एक टच स्क्रीन लैपटॉप है दोस्तों, 15.6 इंच की आप लोग को स्क्रीन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें 4GB की आप लोग को रैम देखने को मिलती है, 1TB की HDD है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को एक्सपांड करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो कि आप लोग फर्दर एक्सपांड भी कर सकते हो। तो इस HP लैपटॉप में आप लोग को एक दिक्कत मिल जाएगी, इस HP लैपटॉप में आप लोग को जो है प्रोसेसर जो है थोड़ी कम देखने को मिल जाती, जो कि एक 7th जनरेशन की प्रोसेसर है दोस्तों। यहाँ पे 35,000 वाला टच स्क्रीन भी दे रहा है, इसलिए जो है प्रोसेसर में कंप्रोमाइज कर रहा है। तो अगर आप लोग छोटी मोटे टास्क वगैरह करते हो, जैसे कि आप लोग ऑफिस वर्क वगैरह करते हो या फिर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, तो इस लैपटॉप की मदद से आप लोग इजीली कर पाओगे। ये गेम खेलने के लिए नहीं बनाया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ऑफिस वर्क या फिर स्टडी पर्पस के लिए आप लोग इस लैपटॉप को 100% यूज कर सकते हो। तो ये वाली लैपटॉप इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रखते हो टच स्क्रीन लैपटॉप में तो इसके साथ जा सकते हो। विंडोज 10 प्री
इंस्टॉल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इस लैपटॉप के अंदर। तो 35,000 के अंदर कोई भी आप लोगों को टच स्क्रीन लैपटॉप अगर चाहिए थी तो ये ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट जरूर करना। अगला जो है वो एसर की तरफ से अगर बात करते हैं, एसर की तरफ से आप लोग अगर एसर चाहते हो तो एसर की तरफ से आप लोग एसर एस्पायर 3 के साथ जा सकते हो। यहाँ पे भी आप लोगों को राइजन का वेरियंट और i3 का वेरियंट दोनों मिल जाएगा। 32-33,000 के अंदर आप लोग को ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। 15.6 इंच की आप लोग को स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, 4GB की रैम, 1TB की हार्ड डिस्क आप लोग को देखने को मिल जाएगी, एक्सपांडेबल स्लॉट्स भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलती है। तो अच्छी लैपटॉप है, आप लोग जाकर इसको बाय कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपका बजट थोड़ा 3,000 रुपये अगर बच जाता है वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जो है रैम को अपग्रेड कर सकते हो या फिर SSD में अपग्रेड कर सकते हो। तो सही है, 35,000 के अंदर आप एक लैपटॉप को जो अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। तो यहाँ पे 30,000 के ऊपर की लैपटॉप जो है 31-32,000 वैसी लैपटॉप जो है वो ले सकते हो और उसके बाद जो है रैम वगैरह को अपग्रेड इजीली आप लोग कर पाते हो। तो यहाँ पे अगर आप 30,000 के लैपटॉप देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक है, वहाँ पर जाकर जो है वो वीडियो देख लो। वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी लैपटॉप से जो कि आप लोग बाई कर सकते हो और 5,000 जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करके उसको जो है अपग्रेड कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आपके पास है, अगर आप लोग चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे जितने भी लैपटॉप्स मैंने आप लोगों को बताए सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो यार अमेजोन और फ्लिपकार्ट में प्राइजेस जो है थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप लोग चेक कर लेना, कभी जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि देखो यार अमेजोन फ्लिपकार्ट जो है ये संभालता है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, साइड में जो घंटी है प्रेस करना ताकि कोई भी अपडेट फ्रेश अपडेट से मिस ना करे। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा 30,000 का लैपटॉप अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आई बटन में लिंक है, जाकर चेकआउट करो। गेमिंग लैपटॉप चाहते हो तो वो भी आई बटन में लिंक है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो दोस्त के साथ शेयर करो, उसको भी जानना चाहिए ये सब चीज। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।